क्या आप चाहते हैं कि आपको सब पसंद करें तो ये सिखाने के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट इंसान हूँ नमस्कार मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर का दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में तो बात कुछ ऐसी है कि मैं स्कूल में बस अबव एवरेज स्टूडेंट थी लेकिन कॉलेज में पहुंचने के बाद जो सब्जेक्ट्स मुझे मिले वो मुझे इतने पसंद आने लगे कि मैं उनमें बहुत अच्छा करने लगी मैं कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गई और उसके साथ आने लगा अहंकार मुझे लगने लगा कि मैं बहुत ख़ास हूँ ये सब्जेक्ट्स मेरे लिए ही बने हैं मैं नंबर वन हूँ और साथ ही साथ मैं दूसरों को सोचने लगी कि ये तो ऑर्डिनरी लोग हैं बस हूँ यहाँ पर है इसका फल ये हुआ कि मैं अपने आप को स्पेशल मान के दूसरों को अपने से दूर करने लगी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने इंटर्नशिप सेंटर में बैठी थी काम कर रही थी कुछ पेपर वर्क था और एक मनोवैज्ञानिक और एक स्पेशल एजुकेटर साथ में बात कर रहे थे डिस्कस कर रहे थे केसेस वो कहीं पे किसी विषय को समझ नहीं पा रहे थे उनकी ज्ञान या उनकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ में थोड़ी कम थी मैंने सोचा मैं स्कॉलर इंसान हूँ मुझे तो सब कुछ आता है साइकोलॉजी में मुझे उन्हें कहना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है मैंने अपने पेपर वर्क से ऊपर देख के उन्हें कहा ये इस तरीके से नहीं होता आपको अपने विचार को बदलना चाहिए एक्चुअली थियोरी में किताबों में ये लिखा हुआ है फलाना फ़लाना पढ़ने पर जाओ मेरी बात उन्होंने सुनी फिर उसके बाद स्पेशल एजुकेटर जो कई समय से काम कर रही थी उन्होंने कहा आप सही है लेकिन पता है आपके बारे में कुछ चीज़ बहुत ऑफ है मतलब कुछ अजीब है जिस तरीके से आप दूसरों से आके मिलते हैं ऐसा लगता है कि आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता पता नहीं कोई और वाली चीज़ है कि आपकी और ऐसी है कि आपको अप्रोच नहीं कर सकते मैं सोचने लगी कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर और स्पष्ट फीडबैक मिल गया मुझे कि मैं बहुत बुरी हूँ और ऐसा क्यों लगा मेरे और से ही इन्हें पता लग गया कि मैं अच्छी नहीं हूँ अब ये और क्या होता है मुझे औरा तो नहीं समझ में आता तो मैंने सोचा ये ज़रूर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा जिस तरीके से हम लोगों से मिलते हैं जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज हम रखते हैं जिस तरीके का फेशियल एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पे होता है ज़रूर यही वो चीज़ें होंगी जो एक इंसान को अप्रोचेबल या नॉट अप्रोचेबल बनाती हैं तुरंत ही मैंने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया और जो जो मैंने पढ़ाई करी वो मैंने अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दिया अपने पॉस्चर को बदल दिया अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बदल दिया और मैंने जो स्ट्रैटेजीज अपनाई उनके कारण छः महीने के अंदर लोग मुझे कहने लगे कि आप कितनी अच्छी हैं आपसे बात करके कितना अच्छा लगता है पता है क्या पहले मैं सोचती थी कि आप अन अप्रोचबल हैं लेकिन असल में आपसे बात करके कितना मज़ा आता है ये अद्भुत बदलाव आया क्योंकि मैंने बॉडी लैंग्वेज और अप्रोचेबिलिटी के कुछ स्पेशल टिप्स अपनाए थे आज ऐसी सिचुएशन है कि अगर मैं किसी रैंडम जगह पे भी जाऊँ किसी ऐसी शादी में जा पहुँच जाऊँ जहाँ लोग मुझे नहीं जानते किसी ऐसी सेमिनार में जाऊँ जहाँ लोग मुझे नहीं जानते वहाँ पर जाके भी मैं आसानी से दोस्त बना लेती हूँ आसानी से कार्ड एक्सचेंज कर लेती हूँ सब मुझे देखने लगते हैं मैं सेंटर ऑफ डिस्कशन बन जाती हूँ एक ग्रुप को एंगेज आसानी से कर लेती हूँ ये सब मैंने कैसे किया इस वीडियो में आपको बताऊंगी वो कौन से टिप्स हैं आपको लगाने चाहिए जिससे आप किसी भी सेटअप में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले इंसान बन जाएंगे मुझे लगता है कि मैंने इस पे थोड़ी बहुत महारत तो ज़रूर हासिल की है तो हमारा जो पहला टिप है वो ये है स्माइल मोर जितना ज़्यादा आप मुस्कुराएंगे उतना ही ज़्यादा लोगों को लगेगा कि आपको अप्रोच किया जा सकता है रैंडम लोगों को देख के मुस्कुराइए एक समय था शेम अटैकिंग एक्सरसाइज के हिसाब से मैं अपने आप को चैलेंज करती थी कि स्टेशन से लेकर घर तक चलते चलते जाने में मुझे रैंडम लोग जो भी मिलेंगे अगर उनके साथ मेरा आई कॉन्टैक्ट हो गया तो मैं यूं ही मुस्कराऊँगी उनके ऊपर और मुस्कुराने पे देखूंगी क्या वो मुझ पर रिटर्न मुस्कुराते हैं कि नहीं मुझे रिटर्न एक स्माइल देते हैं कि नहीं और मैंने देखा कि लोगों के सामने अगर आप मुस्कुराएंगे उनको देख के तो वो प्रेशर्ड फील करते हैं इनवेरिएबली बिना किसी बदलाव के उनको स्माइल करना ही पड़ता है बिना किसी और ऑप्शन के वो आपको अपनी बत्ती सी दिखाते ही दिखाते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल करें कुछ लोग कहते हैं कि अरे मेरे दांत अच्छे नहीं हैं, अरे आ, मेरे दांत पीले हैं, मेरे गम्स अच्छे नहीं हैं मेरी स्माइल अच्छी नहीं है लेकिन विश्वास रखिए जितना ज़्यादा आप खुल के मुस्कुराएंगे, उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे इन फैक्ट आपका चेहरा सबसे ज़्यादा सुंदर तब लगता है जब आप मुस्कुराते हैं दूसरी टिप है कॉम्प्लीमेंट मोर एक कहावत है डू यू वॉन्ट टू बी अ गोल्ड डिगर और अ गार्बेज कलेक्टर मतलब ये कि क्या आप कचरा उठाते रहना चाहिए चाहते हैं यानी कि लोगों में जो बुरा है उसे बोलते रहना लोगों की बुराई करना लोगों के बारे में गॉसिप करना ये सब है कचरा उठाने जैसा लोगों में जो भी बुरा है आप उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं लेकिन उसी जगह पे गोल डिगर बनने का मतलब ये है लोगों के अंदर जो छुपे गुण हैं उन गुणों तक पहुंचना उन गुणों को बाहर निकालना जो गुण अच्छी क्वालिटीज़ लोगों में है उसके बारे में उनसे कहिए जिन क्वालिटीज़ के ऊपर उन्होंने मेहनत की हुई है यानी कि उनका स्टाइल हो सकता है उनकी नॉलेज हो सकती है जिस तरह से वो अपने घर को सजाते हैं जिस तरीके से वो अपने काम को कंप्लीट करते हैं जिस भी काम पे वो मेहनत करते हैं उस चीज़ की तारीफ़ कीजिए देखिए लोग आपको बहुत पसंद करने लगेंगे तीसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो साधारणतर आपको वीडियोस में नहीं सुनने मिलेगी वो है दूसरों के सीक्रेट्स को सीक्रेट रखिए अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये तो आना ही चाहिए कि किसी की भी बात यहाँ से वहाँ मत कीजिए अगर सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बात इस जगह से उस जगह कर देता है आपके बारे में पीठ पीछे गॉसिप करता है ये आपको पता लगा तब भी आपको उसकी बुराई उसके पीठ पीछे नहीं करनी चाहिए आपको उसकी सीक्रेट्स किसी और को नहीं बतानी चाहिए आप ये इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपकी क्रेडिबिलिटी तैयार करती है इसमें वक्त लगता है लेकिन जब आप यहाँ की बात वहाँ नहीं करते तब ही जाके लोग आपके ऊपर विश्वास करने लगते हैं तब लोग जाके मानने लगते हैं कि आपके सामने किसी भी बात को रखा जा सकता है चौथी क्वालिटी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वालिटी है वो है हमेशा खुशबूदार रहना देखिए हमारी जो खुशबू होती है वो लोगों को हमारे प्रति आकर्षित करती है या हमसे दूर भेज देती है आप कितने भी अच्छे इंसान हैं अगर आपसे बदबू आ रही है तो फिर लोग आपके साथ ज़्यादा देर बैठना नहीं चाहेंगे उसी जगह पे आपका चेहरा कैसा भी हो आपका रंग कैसा भी हो आपका स्किन कैसा भी हो लेकिन अगर आप से एक बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और आप स्माइल कर रहे हैं तो फिर कोई भी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बैठे रहना चाहेगा आखिरी स्ट्रैटेजी है तारीफ़ करना अब आप कहेंगे ये स्ट्रैटेजी तो मैंने कवर कर दिया कि लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए हाँ तारीफ़ करना लेकिन पीठ पीछे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने उनकी तारीफ़ की जाए तो वो अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि कैसे रिएक्ट करें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी खूब तारीफ होती रहती है वो पढ़ाई में नंबर वन है वो शायद आपके बॉस है शायद किसी कंपनी के मालिक है कोई सेलिब्रिटी है आप उनके सामने उनकी कितनी भी तारीफ़ करेंगे उनको कोई खास असर नहीं पड़ता क्योंकि वो हर वक्त तारीफ़ सुन रहे है, सुन रहे है, सुन रहे है। अब तारीफ़ के प्रति उनकी मोटी चमड़ी हो गई है लेकिन अगर आप उनकी तारीफ पीठ पीछे करेंगे और किसी ने अगर वो बात उनको आके बता दी कि आपके पीछे आपकी ऐसी तारीफ़ की जा रही थी इस व्यक्ति द्वारा तो फिर उन्हें लगता है कि ये तारीफ़ एकदम जेन्यन है पीठ पीछे की गई तारीफ हमारे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है इन स्ट्रैटेजीज़ को अपनाएंगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ छः महीने में आप बिल्कुल पॉपुलर बन जाएंगे और हर कोई आपको पसंद करेगा इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी लगी आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद